हजरत सईद बिन जैद बिन उमर बिन नफील रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उर्वी नामी एक औरत ने इनसे घर की जमीन के बाद हिस्सा के मुतालिक झगड़ा किया। उन्होंने फरमाया इसे छोड़ दो और ये जमीन भी इसे दे दो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स ने एक बाली जमीन भी अगर किसी ने किसी की नाहक ले ली तो क्यामत के दिन सात महीनों तक वो जमीन टोक बनाकर उसकी गर्दन में डाल दी जाएगी। ए अल्लाह, अगर ये छूटी है तो इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसकी इसी घर में बना दे। रावी कहते हैं कि बाद अज़ां मैंने देखा वो अंधी हो चुकी थी, दीवारों को टटोलती फिरती थी और कहती थी कि मुझे सईद बिन जैद की बद्दुआ लग गई है। बस एक दफा वो घर में चलते हुए इसी घर के कुएं के पास से गुजरते हुए इसमें गिर गई और वहीं मर गई और वो कुआं उसकी कब्र बन गया। ये हदीस मुत्तफक अलैह की है और अल्फाज इमाम मुस्लिम की है।